पीपल्स कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा दो हजार उन्नीस 370 खत्म करने के बाद जब डी लिमिटेशन का इन्होंने डंडोरा पीटना शुरू किया, मकसद उनके दो, एक का नाम लूंगा 10 रह जाएंगे, हजारों में उनकी गिनती है। लेकिन जिसको हमारे झंडे में खून नजर आता है, जो कहता है ये कातिलों की जमात है, उसे मैं पूछता हूं, अगर ये बात सही है तो खुदा ना कल तक आप हमारे साथ बैठ के क्या कर रहे थे? क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि चंद मौके का फायदा हासिल करने के लिए आप कातिलों के साथ बैठे? मैं तो कम अज कम नहीं बैठता। अगर मैंने किसी के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया होता, मैं तो कम अज कम उसके साथ दोबारा नहीं बैठता, चाहे मुझे कितना भी उसका फायदा मिले। वो क्यों बैठे? क्योंकि जिस चीज की वो बात कर रहे हैं वो सारी सी बात है 18-19 से पहले हुआ होगा, तो क्यों आए हो ये लीडर? क्यों माफी मांगी? मैं बैठा था सामने जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से उन्होंने माफी मांगी, कहा कि जज्बात में आके मैंने बहुत बातें की लेकिन छोड़ दीजिए, मैं आपको लीडर तसव्वुर करता हूं, मैं आपके साथ काम करके जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल किया नहीं, अपने DDC कुछ बनाए, उसमें हिस्सा लिया, दोनों वकील जो है मुल्क के सबसे बेहतरीन वकीलों में गिने जाते हैं आज। ये हमारी शायद मेहनतों का नतीजा है कि जिन लोगों ने कहा था कि 370 गया, इसमें है क्या, वो भी मजबूर हुए हमारे वकीलों के साथ अपनी तस्वीर लगाने पे कि मैं इस वकील को मुबारक करता हूं। अरे भाई वकील हमारा, तस्वीर तुम्हारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब 370 के कारवां के साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे वो तंजीम जिसने केस डाला भी नहीं था, जहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम होता है लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, ये 80% लोग, इसका नंबर कहाँ से आया? इलेक्शन करिए, 80% लोग इलेक्शन से दूर रहते हैं तो फिर गवर्नर साहब रहे हमें कोई एतराज। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से तब्दील नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए आपको मेजोरिटी की जरूरत है। जहां तक मुझे मालूम है किसी भी लक्ष्य को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में इस तरह का वोट नहीं हुआ है। अब बीजेपी ने अपनी सफाई में ये कहा है कि क्योंकि ये एक हिस्टोरिक फंक्शन था, उन्होंने हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को दिए। अगर ये सही है तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है तो मैं माफी चाहता हूं, ये इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किसी मुल्क के साथ किया है तो महात्मा गांधी के मुल्क के साथ किया है, RSS और संघ परिवार के मुल्क के साथ नहीं किया। अब हमने अपने तरफ से जितना हम कर सके हमने किया, अब हम इंसाफ की उम्मीद।